गौवंश तस्कर अब तस्करी के लिए कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल के रास्ते कार से तस्करी की जा रही है। कार की पिछली सीट निकालकर उसमें ठूंस ठूंस कर गौवंश भर दी जाती हैं। शनिवार रविवार दरमियानी रात हलाल और साज पानी के बीच एक कार पलट गई थी। हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। तस्कर मौके से फरार हो चुके थे। घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त कार में 4 गौवंश मिले। ASI शैलेश ठाकुर और शरद मालवी ने बताया कि हलाल और साज पानी के बीच कार पलटने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो यहां कार पलटी हुई थी। कार को सीधा करने पर उसमें 4 गौवंश भरे हुए थे। कार पलटने से घायल हुए गौवंश को इलाज के बाद गौशाला में शिफ्ट कराया गया है। पुलिस ने फरार तस्करों के खिलाफ गौवंश अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस कार्रवाई से बचने तस्करों ने जंगलों में रास्ता बना लिया है। गौवंश तस्कर अब जंगल के रास्ते नागपुर की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। रात के अंधेरे में तस्कर कार और अन्य वाहनों में गौवंश भरकर परिवहन करते हैं।